हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी फेज। द जर्नी फेज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का मैं आशीष कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बनाने वाले हैं आईबीएम इंदौर के 2021 के जो एमसीक्यूज के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का सेशन आज मैं लेकर के आया हूं। तो आप सभी लोग सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस अभी बचे हुए थे उनके ऊपर डिस्कशन पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर बात करें। सिंपली कह रहा है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन रूट टू माइनस साइन रूट थ्री प्लस y स्क्वायर अपॉन कॉस रूट टू माइनस कॉस रूट थ्री इक्वल्स टू 1। अब ये आइदर एलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं एलिप्स के लिए। अगर एलिप्स में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर हाइपरबोला चेक करेंगे। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू। इसी में हम सभी लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ए ग्रेटर होगा बी से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन इट्स फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, राइट। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन इट्स फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ग्रेटर देन ए देन इन दैट केस फोकाई विल बी ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो हमें बस यही चेक करना है ये जो डिनोमिनेटर में मटेरियल गिवन है, दैट मींस क्या क्या गिवन है अपने को। हमें गिवन है साइन अंडर रूट टू एंड माइनस साइन अंडर रूट थ्री, फर्स्ट थिंग, एंड कॉस रूट टू माइनस कॉस रूट थ्री। ओके, इन्हीं की वैल्यूज के ऊपर हमें फोकस करना है और चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी है। सो रूट टू एंड रूट थ्री रेडियन में है एंड वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, दैट मींस 22/7। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 57.27, राइट, approximately 57.27 डिग्री, 57.27 डिग्री होता है। देन इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, इस रूट टू की जगह पे रूट टू इंटू रूट टू का वैल्यू 1.414 में 57 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये approximately आएगा साइन 80.99 माइनस ये आएगा साइन 99.5। ये तो गया साइन। देन सिमिलरली इसी का वैल्यू अगर हम रूट टू एंड रूट थ्री का वैल्यू पुट करते हैं क्यूब कॉस पे, सो यहां पे आएगा कॉस 80.99 माइनस कॉस 99.5। ओके, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर हम बात करें छोटी सी की ये दोनों ही एंगल्स एग्जैक्ट ऐसी वैल्यूज नहीं आ रही जिनकी वैल्यूज हमें पता, बट हम चेक कर सकते हैं वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90, राइट। और अगर हम थोड़ी सी यहां पे बात करें किसके बारे में, 80.99 फर्स्ट क्वार्टर एंड 99.19 सेकेंड क्वार्टर। सो साइन के केस में फर्स्ट क्वार्टर में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वार्टर में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, अभी देखें। So, मतलब ये समझ में आया कि हम यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं बता सकते कि ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। चलिए कॉस पे देख लेते हैं, देन इसके बाद साइन पे वापस लौट के आएंगे चेक करेंगे। अगर हम कॉस में देखते हैं तो कॉस में 80.99 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड कॉस 99.19 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस विल बी नेगेटिव। कॉस अगर नेगेटिव होगा तो माइनस यहां पे है और कॉस 99.19 की वैल्यू भी माइनस आएगी, दैट मींस ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ओके, बी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। अब साइन के केस में डिसीजन लेते हैं चलिए। तो अगर हम बात करें साइन के कर्व की, तो साइन का कर्व कुछ इस तरह से होता है, 1 पे 90 डिग्री पे 1 मैक्सिमम वैल्यू देता है,
अब 90 डिग्री पे वन मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो अगर हम बात करें ये मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री पे, तो हमें पता है 90.99 में 80.99 ज्यादा नजदीक है, मतलब ज्यादा नियर है 99.19 के कंपैरिजन। मींस अगर 80.99 यहां पे होगा, कुछ इस पोजीशन पे होगा, तो 99 कुछ इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। दैट मींस 80.99 की ज्यादा होगी वैल्यू, मोर होगा वैल्यू 99.19 के। अगेन देखिएगा 90 के क्लोजर है 80.99, 9 से भी कम है, और 99.19 जो है 9 से भी ज्यादा है। दैट मींस 90 के ज्यादा पास में होगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, मोर वैल्यू होगी देन 99.19। मींस पॉजिटिव वाली वैल्यू ग्रेटर है और निगेटिव वाली वैल्यू स्मॉलर है, दैट मींस ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं, दैट मींस ये क्या होगा, एक एलिप्स होगा। एंड एलिप्स के अलावा समझने की बात ये है, यहाँ पे दो पॉजिटिव वैल्यू आपस में ऐड हो रही हैं और दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो रही है। दैट मींस एक बात तो पक्की होगी, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दैट मींस ए इज लेस देन बी, और अगर ए लेस है बी से तो डेफिनेटली किस पे होगी, फोकाई किस पे जाएगी, वाई एक्सिस पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके फाइन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। देन इसके बाद ओके क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ फोर डिजिट इंटीजर सॉरी विच आर ग्रेटर देन 1000 एंड डिविजिबल बाय बोथ एंड 3 बट नॉट बाय 5, राइट। ग्रेटर देन 1000 फोर डिजिट, ओके सो फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000, बट हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1000 से ग्रेटर, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। सो 1001 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट इज 4 times 9। सो सिंपल क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल बाय बोथ एंड 2 and 3, सो वी हैव टू चेक इट बाय 6। सो ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो बट 6 और 5 दोनों से डिविजिबल, तो सिंपली 1000 तक, अप टू 1000 डिविजिबल बाय 6, 1000 अपॉन 6 सिंपल कर देंगे कितने नंबर्स, 166, एंड अप टू 1 to 4 times 9 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 दैट मींस कितने नंबर्स आएंगे, 166, राइट। सो अगर हम बात करें 1001 से लेकर के 999 तक कितने नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो 1666 माइनस 166 विल बी 1500। 1500 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे 1001 से 4 टाइम्स 9 9990, राइट। ओके लेट्स टॉक अबाउट 5 and 6, that means 30. If we divide from 30 up to 1000, how many numbers? 33. And up to 9999, this should be definitely divide karenge 30 se kitni bar jayega? 333. So how many numbers between them? Sir, 300. 1500 number 6 से divisible है और 300 number 30 से divisible है. That means कितने numbers हों जो 5 से divisible नहीं होंगे? Definitely 1500 में से ये 300 subtract कर दें, कितने numbers आ जाएंगे? Hope you understand the concept. Option number, right? Okay. So let's move to the next question.
क्वेश्चन नंबर थ्री, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एपेक्स फॉर विच 81 टू द पावर एक्स प्लस 81 टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू 3 इज। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 81 टू द पावर एक्स, सिंपली वी कैन राइट इट 3 टू द पावर 4, सो 3 टू द पावर 4x प्लस 3 टू द पावर 4 fx इक्वल्स टू 3। अगर ये 3 टू द पावर 4x को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो क्या बनेगा, माइनस 3 टू द पावर 4x। अगर इन दोनों से हम 3 को कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकालेंगे 1 माइनस दिस। अब दोनों साइड का लॉग अगर ले लेते हैं, लॉग बेस 3 3 टू द पावर 4 इनटू एक्स, इधर भी लॉग 3 1 माइनस 3 टू द पावर 4 एक्स माइनस बेस 3। सो लॉग की प्रॉपर्टी से 3 टू द पावर 4 एफ एक्स है, तो वी नो दैट ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो 4 इंटू एफ एक्स इंटू लॉग 3 बेस 3, लॉग 3 बेस 3 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम इसको नहीं भी लिखें तो इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 3 प्लस लॉग 1 माइनस 3 टू द पावर 4x माइनस 1 बेस 3। अब लॉग की एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है लॉग n बेस a। सबसे पहली चीज, वी नो दैट n जो है ना तो 0 हो सकता है ना तो नेगेटिव, एंड a नेगेटिव 0 और 1 नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर दो केसेस, अगर n जो है greater than 0 and less than 1 है, and a is greater than 1, तो भी उस expression की value क्या होने वाली है, negative। और अगर कभी a जो है 0 and 1 के बीच में हो और n is greater than 1, उस केस में भी उस expression की value क्या होने वाली है, negative होती है, right? ये दो केसेस आपको याद। अब इन्हीं दो केसेस के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये log 3, तो log 3 3 1 हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं, केवल हमें इस पे फोकस करने की नीड है, इस पे फोकस करने की नीड है। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहां पे a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 3 है। a इज ग्रेटर देन 1 मतलब यही वाली कंडीशन हो सकती है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गई तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाना है, नेगेटिव। सो 1 माइनस 3 टू और 4x माइनस 1, 1 माइनस 3 टू द पावर 4x माइनस 1, इस पे फोकस करना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं 3 टू द पावर 4x माइनस 1, x की कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे, रख के देखेंगे 0 से ग्रेटर ही आएगा। x के वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 3 आएगा, ओके, ग्रेटर देन 1 आएगा। बट आप सोचिए जरा, अगर ये पूरा टर्म, अगर ये पूरा टर्म 0 से ग्रेटर तब तो बढ़िया है, बट 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर हो गया ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे इस टर्म की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी लेकिन 1 से लेस होगी। अगर 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस होगी, डेफिनेटली इस पूरे टर्म की वैल्यू लेस देन 1, इस पूरे टर्म की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मींस ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये पूरा का पूरा टर्म लॉग वाला ये क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे ये लॉग 3 ऑफ 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1, और नेगेटिव उसमें से माइनस करेंगे तो लेस देन 1, दैट मींस हम कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ fx इज लेस देन 1, डेफिनेटली 1 में कुछ माइनस, सिंपली fx इज लेस देन 1/4, 1/4 से छोटा दैट मींस कितना होगा, 1/4 से छोटा दैट मींस 0.25 से लेस होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी 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 इजी क्वेश्चन. सिंपली इन अ बाउल कंटेनिंग 60 ml ऑरेंज जूस 40 ml वाटर. ऑरेंज जूस 60 ml 40 ml वाटर. देयर आफ्टर 100 ml ऑफ एप्पल जूस इज पोर्ड. एप्पल जूस ऑफ 100 ml इज पोर्ड. सो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? सो टोटल क्वांटिटी हो गई 200 ml डेफिनेटली. मधु ड्रिंक्स 50 ml ऑफ दिस फ्रूट. 50 ml अगर मधु ने ड्रिंक कर लिया दैट मीन्स कितना बचा है? 150 ml. एंड कमेंट्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस नीड्स टू बी हायर फॉर बेटर टेस्ट. अगर 50 ml मधु ने ड्रिंक किया है उस फ्रूट जूस फ्रूट पंच का तो हाउ मच पार्ट? 50 आउट ऑफ 200 दैट मीन्स 1/4. हम एज्यूम करके चलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर है सो हर एक पार्ट ऑरेंज जूस का भी वाटर का भी और एप्पल जूस का सभी का 1/4 पार्ट निकल जाएगा. 60 का 1/4 पार्ट दैट मींस 15 कितना बचेगा? 45. एंड 40 का 1/4 दैट मींस 10 यानी कितना बचेगा? 30. 1/4 25 यानी कि 70. सो क्वेश्चन इज हाउ मच ऑरेंज जूस? नाउ ऑरेंज जूस इज 45. लेट्स एज्यूम 45 प्लस x क्वांटिटी x ml ऑफ ऑरेंज जूस टू बी एडेड सो दैट लेवल ऑफ ऑरेंज जूस टू 50% 50% दैट मींस हाफ ऑफ टोटल क्वांटिटी 150 प्लस x. सो जस्ट सिंप्लीफाई इट 45 टू 90 प्लस ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 150 प्लस x दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 60. X equals to 60 ml option number D. Hope you understand the concept. Let's move to the next question. Question number 15. Question number 15. Fx square plus fy equals to x fx plus y for all non-negative integers x and y. Then the value of f of 0 square plus function of 0. Okay. So, सबसे पहले इसको हम note down कर लेते हैं. Fx square plus fy equals to x fx plus y. अगर हम इसमें x की जगह पे 1 and y की जगह पे 0 put कर, okay? So function of 1 का square 1 plus fy that means f 0 equals to x 1 into f 1. 1 into f 1 simply f into प्लस जीरो. अब आप इस इक्वेशन को गौर से ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन ऑफ जीरो या एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा हो? जीरो. अगर एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा तभी ये कंडीशन फॉलो हो पाएगी. तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो दैट मींस इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जानी है? इस पूरे टर्म की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी जीरो हो जानी है. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो ये आज एमसीक्यूज के 5 MCQs के सॉल्यूशंस थे. उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा. नहीं समझ में तो एक बार वीडियो को वापस से देखेगा. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है आगे के 5 और क्वेश्चंस का. सो थैंक यू.